सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कोरोना का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है, लेकिन लोग एक बार फिर लापरवाह होने लगे हैं। सरकार के द्वारा दुकानदारों की मांग पर समय में बदलाव किया गया है और दुकानों को अब 9 बजे से 3 बजे तक खोला गया है, लेकिन सोनीपत की मेन मार्केट कच्चे क्वार्टर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जो दुकानें खुली हुई थी, कोई भी दुकान ऐसी नहीं थी जहां पर सोशल डिस्टेंस की पालना की गई हो। सभी दुकानों पर भीड़ दिखाई दी। वहीं मार्केट प्रधान ने कहा कि ऐसे दुकानदारों के चालान करवाए जाएंगे। वहीं मीडिया के पहुंचने के बाद थाना प्रभारी की भी नींद टूटी और वो भी पूरे दल बल के साथ कच्चे क्वार्टर मार्केट में पहुंचे। तस्वीरें सोनीपत के मेन मार्केट कच्चे क्वार्टर की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के द्वारा दी गई छूट का ये लोग किस तरह फायदा उठा रहे हैं। शायद सोनीपत अपने बीते दिनों को भूल चुका है। अब जब समय ऐसा था कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड गायब हो गए थे और शमशान घाट में चिता जलाने के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही थी, दुकानदारों को शायद पैसा ही दिखाई दे रहा है और इसलिए कोरोना नियमों की धज्जियां नीडर होकर उड़ाई जा रही हैं। कोई भी दुकान ऐसी नहीं जहां पर नियमों की पालना की जा रही हो। सभी दुकानों पर आप देख सकते हैं कि भीड़ है। वहीं जब मीडिया पहुंचा तो पुलिस की भी नींद टूटी और थाना प्रभारी सिविल लाइन पूरे दल बल के साथ कच्चे क्वार्टर मार्केट पर पहुंचे और देखिए किस तरह दुकानों से ग्राहकों को बाहर निकाल रहे हैं। फिलहाल सभी दुकानदारों को चेतावनी के बाद छोड़ा गया है। वहीं मार्केट प्रधान ने लापरवाही करने वाले दुकानदारों को कहा कि उनके चालान वो खुद खड़े होकर कटवाएंगे। वहीं पर पूरे मामले में सिविल थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि वो लगातार कच्चे क्वार्टर मार्केट का राउंड लगाते हैं। वहीं दुकानों में भीड़ देखी जा रही है, सभी को चेतावनी दी जा रही है कि भीड़ ना करें। वहीं कोई बगैर मास्क के मिल रहा है तो उसके चालान किए जा रहे हैं। वहीं अगर आगे लापरवाही बरती गई तो दुकानदारों के भी चालान किए जाएंगे। बहरहाल देखना अब यही होगा कि दुकानदार कोरोना नियमों की पालना किस तरह करते हैं, क्योंकि अगर हालात यही रहे तो ये लापरवाही जान ले सकती है। देखने वाली बात यह भी होगी कि पुलिस किस तरह से सख्ती दुकानदारों पर बरतेगी। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। प्रशासन ने हमारा साथ दिया, उसका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। नंबर दो, जो भी अगर 100 दुकानें हैं, 100 या 200 दुकानें हैं, एक या दो गलत आदमी है, उनका हम साथ नहीं देंगे, हम कुछ चालान कटवाएंगे। मैं प्रशासन से डिमांड करता हूँ, जो भी ऐसा आपको दिखता है भाई, जिसकी दुकान में भीड़ ज़्यादा है, मास्क की नहीं लगा हुआ, आप चालान प्रशासन काट रहे हो, मैं साथ दूंगा। हम गलत आदमी का साथ नहीं देंगे, हम प्रशासन का साथ देंगे। उसमें सेफ्टी आप सब लोगों की है, दुकानदार भाइयों की भी सेफ्टी है और उनकी फैमिली की भी है, आने वाले ग्राहक की भी सेफ्टी है। हम ये गलत बात मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। हमें अगर दुकान खोलने का मौका मिला है तो उसका हम नजायज़ फ़ायदा उठाएं, ये बात नहीं चलेगी, ना चलने देंगे हम। आपके दुकानदार तो ये कह रहे हैं कि कहाँ सोशल डिस्टेंस करें, तो दुकान में तो अंदर जाने जरूरत ही नहीं ना सर। नहीं नहीं, वो जो एक दो दुकानदार हैं अगर मार्केट में गलत होते हैं, उसको हम अभी आपके सामने जो भी होगा उसका दंड दिया जाएगा, या प्रशासन जो उसको चालान काटना चाहता है या जो उसके खिलाफ क्या टीम बुलाई जाएगी प्रशासन की। मैं अभी पहले इनको दुकानदार से बात करता हूँ और चेतावनी दूंगा अभी, आज के बाद, अभी के बाद 10 मिनट के बाद ही कोई भी अगर कार्रवाई होती है तो प्रशासन के साथ उस दुकानदार के खिलाफ सभी दुकानदार खड़े होंगे। खाली मैं नहीं, मेरे जितने दुकानदार हैं भाई हैं, उस गलत के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, उसके खिलाफ खड़े होंगे। कच्चे क्वार्टर का हम अब इस टाइम दौरा कर रहे थे और लगातार पहले भी करते आए हैं, थोड़ा एकदम से लोग ज़्यादा सामान लेने के लिए आए हैं, जिनको समझाया गया है कि अपने कोरोना को देखते हुए नियमानुसार आएँ और मास्क का प्रयोग करें। सर, जिस तरह से दुकानों में देखी गई 15 से 20 लोग के दुकानों के अंदर घुसे हुए हैं, क्या पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है इन पर? पुलिस उनको दुकानों को वार्निंग दी गई है, बस 2 या 3 से अधिक दुकान के अंदर आदमी ना हो, यदि दोबारा ऐसे ही पाया गया तो खिलाफ नियमन सरकार में मिलने लगे। जिस तरह से ODI-1 का फार्मूला अपनाया गया, वो कहीं ना कहीं शिवलाइन की बात करें तो वहाँ फार्मूला काम नहीं करता नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल कर रहा है, ODI-1 का काम कर रहा है।